This is Kumar Veerbhadra Singh again, and you are watching Veerbhadra Weapons Outdoor. And आज हम लोग फिर कुछ अच्छा और कुछ नया करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्रॉनी करेंगे. एक एयर गन है मेरे पास, ये SDB की आर्टिमिस, सॉरी ये SDB की मैग्नम एयर गन है, ठीक है. और ये गन जो है स्टॉक कंडीशन में 11-12 फुट पाउंड एनर्जी देती है, लेकिन मैंने इसको ट्यून किया है और काफ़ी ट्रायल और इधर और बहुत सा जुगाड़ करने के बाद ये मतलब 16 फुट पाउंड तक चलती है स्पेसिफिक पिलेट के साथ. तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक दिखाया जाए कि आखिर 20 जूल्स की जो गन होती है, जो कि 14-14.5 फुट पाउंड जो वाकई में पैदा करती है उसका. तो जिस तरह के क्लेम होते हैं कि FPS जो है 950, 1000 या 1200 या 1000 FPS वाली जो गन होती है, आखिर उसकी क्या खासियत होती है और कैसे हम जाने कि गन वाकई वो उतना पावर दे रही है, फीट पर सेकंड दे रही है कि नहीं दे रही है. मेरा ये डिस्क्लेमर है, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि बाद में कोई तरह कन्फ्यूज़न नहीं हो. ये SDB की मैगनम 177 कैलिबर में है, लेकिन ये जो गन है ये स्टॉक कंडीशन में, जैसे कि अगर आप फैक्ट्री से मंगाएंगे तो ये 12 फुट पाउंड तक एनर्जी देती है. लेकिन इस गन को मैंने ट्यून किया है हाई पावर के लिए, जो कि इसको फुल पावर पे ले आने के लिए. तो फुल पावर पे ले आते के लिए फिर मैंने इसे 20 जूल्स तक के लिए ऑन पावर ऑफ किया है. अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या किया है मैंने, ठीक है. तो सबसे पहले इसको हम लोग टेस्ट करेंगे. ये प्रेसी होल का पैलेट है, यहाँ मैं पास से दिखा दूँ आपको. ये प्रेसी होल का पैलेट है, राउंड हेड पैलेट है ये. और ये पैलेट है, ठीक है, सब कोई जूम में दिख रहा है, ठीक है. पहले हम लोग इसको वेट कर लेंगे ताकि इसका वेट क्या है, क्योंकि हर कुछ जो हो वो थोड़ा सा अपने पास अच्छा मतलब सॉलिड प्रूफ हो अपना. मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि हवाई बातें तो अपन करते नहीं हैं और उसी चीज़ का विरोध करते हैं. ये मैंने ज़ीरो कर लिया और ये ग्राम में है, ठीक है, ये ग्रेन में नहीं है. तो ये ग्राम में दिखाएगा और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने ग्रेन का पैलेट है. यहाँ आप देख सकते हैं 000 और मैंने पैलेट को रखा, ये 0.57 ग्राम का है, ठीक है. तो ये पैलेट हमारा फाइव सेवन ग्राम का है. जब इसको हम लोग ग्रेन में बदलेंगे तो ये 8.7 ग्रेन आएगा, ठीक है, 8.7 ग्रेन. चलिए अब इस गन को हम अपन कॉक करेंगे. ये वो पैलेट मैंने इसमें डाल दी, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, मैंने डाल दी, ठीक है, इसको लोड कर लिया मैंने और फिर मैंने क्रॉनी किया. अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या मेरी गन डीजलिंग कर रही है, और अगर डीजलिंग नहीं कर रही है तो कितनी वेलोसिटी है. अरे मान जा भाई, इसके साथ यही इशू है, लाइटिंग बाहर के लिए है ही नहीं है. तो जैसा कि आपने देखा 255 मीटर पर सेकेंड ये किया. तो अभी जब हम इसको, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर लेके आने दीजिए, चलिए ठीक है, सॉरी कभी भी हो जाता है गड़बड़, अकेले वन मैन शो है, रिकॉर्ड करना है बाकी सब चीज़. तो अभी देखिए 255 पॉइंट कुछ था, तो 255 मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग लिए हैं. इसको करेंगे 3.28 फीट पर सेकेंड से, तो ये हुआ 836, ठीक है, ये 836 फीट पर सेकेंड 8.7 ग्रेन से इसने वेलोसिटी दी है. अब जब इसकी हम मजर एनर्जी निकालेंगे तो 8.7 गुना 836 गुना 836 डिवाइडेड बाई 450 240. ये गन स्पेसिफिक पैलेट के साथ इसकी मजल जो एनर्जी है वो है 13.5 फुट पाउंड की एनर्जी, ठीक है. और ये गन
मेरे पास और भी पैलेट्स हैं जिसके साथ 16 फुट पाउंड तक ये जाती है गन, लेकिन चूंकि प्रेसी होल का राउंड हेड पैलेट हर जगह है तो उसी को बेस मान के हम लोग एक निकालना है एवरेज, तो 13.5 फुट पाउंड के करीब ये गन गई, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। अभी हम एक और शॉट चला के देखेंगे कि 255 से ऊपर जा रही है क्या। सेम प्रेसी होल का राउंड हेड पैलेट, इसको मैंने डाल दिया, लॉक कर लिया और क्रॉनी की तरफ आप ध्यान देंगे, ठीक है। जाइए जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ये इसके साथ लाइटिंग का बहुत इश्यू है, थोड़ा भी लाइटिंग अच्छा नहीं हो तुरंत इधर इसके बहुत सारे आते हैं। मान जा भाई, नहीं एक्नॉलेज नहीं किया, टू 259.8, मतलब भाई 13-13.5-14 फुट पाउंड के करीब है इस पैलेट से दे रही है, ठीक है। जब हम लोग करते हैं 249.8, मतलब 250 अगर मान के चले, वही 13 फुट पाउंड के करीब एनर्जी आ रही है। तो चलो 13-13.5 फुट पाउंड इस 8.7 ग्रेन के इस पैलेट के साथ अपनी ये मैग्नम दे रही है बिना डिजलिंग के, ठीक है। डिजलिंग में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि डिजलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, जैसे ही आप डिजलिंग इंड्यूस करते हो वैसे ही उस गन की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाती है मेरी नज़र में, बाकी आप खुद फ्री हैं जो भी आप सोच सकते हैं। तो अभी मैं सारे लोगों के लिए क्या करूँगा, अभी मैंने क्या किया है, ये लाइफ बॉय साबुन लिया है और ये लाइफ बॉय साबुन वो 20% एक्स्ट्रा वाला है और 125 ग्राम का है, दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ मैंने इसको लगाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगाया हुआ है। आप देखेंगे 3 साबुन मैंने लगाई हुई है और पीछे सपोर्ट दिया है ताकि पूरी पावर ये एब्जॉर्ब करे, ठीक है, इसमें छिपाने और झूठी बातें करने वाली कोई चीज़ नहीं। और मैं इसको मारता हूँ और देखते हैं कि क्या पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए 1, 2, 3। अब हम तीन इस पे हमने रखा हुआ है लाइफ बॉय, तो हमने 3, ठीक है, आप देख रहे हैं जूम में है, ठीक है, ये एक, ये दिख रही है, दिखाता हूँ, फ्रेम में रखना भी जरूरी है नहीं तो लोग तुरंत झूठा बनाएंगे यूट्यूब पे। एक पार होगी, दूसरा दिख रहा है, दूसरा ये भी पार है, इधर से भी थ्रू है और इधर से भी थ्रू है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा में ये इधर से एंट्री है और इधर से केवल बल्ज है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अंदर गया है। रेफरेंस के लिए मैंने वही 8.17 का एक पैलेट लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया और ये पूरा चला गया पैलेट, ठीक है। एक दूसरा पैलेट और लेता हूँ, और दूसरा पैलेट का हेड पूरा इसमें चला गया है, ठीक है। तो अब ये चीज आपको पता है एक बेस लाइन में कि कोई भी गन, ठीक है, जो 13.5 फुट पाउंड दे रही है, एटलीस्ट 13.5 फुट पाउंड दे रही है, उसको ये मैंने अपने लिए बनवाया नहीं है, ये प्रेसी होल का राउंड हेड का पैलेट ऑलमोस्ट सब भाइयों के पास है,
और जब डीजलिंग नहीं कराना है, गन डीजलिंग नहीं होता है, और अगर कोई आपको अगर बेवकूफ़ नहीं बनाया है डीजलिंग करा के, गन की वेलोसिटी फायर जो वो मतलब फालतू आपको जो वेलोसिटी दिखाई जाए अगर वो नहीं किया जाए, तो ये तीन अगर ये फुल साइज़ के 125 ग्राम के जो है, तो ये तीसरा में ये जो इंट्री है इसकी, वो पूरा एक पैलेट चला गया और दूसरा वही सेम पैलेट का हेड चला गया। तो इतना अगर पेनिट्रेशन आपका गन करता है तो 13.5 फुट पाउंड तो गन आपकी दे रही है इस पैलेट के साथ। देखिए पैलेट चेंज होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई रूल बनाने के लिए हर चीज़ स्टैंडर्ड रखना होगा, यूनिवर्सल नहीं रख, मतलब हर चीज़ जो है हमारा सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रखना होगा। तो एक पैलेट पूरा घुस गया है, जबकि एक जो फायर हुआ था पैलेट वो इसके अंदर है, उसके बाद भी ये दूसरा पैलेट घुस गया और तीसरा पैलेट का हेड भी इसमें घुस जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई गन कर रहा है तो 13.5 फुट पाउंड तो वो दे ही रहा है, ठीक है, और अगर उससे थोड़ा भी अगर ज़्यादा होता तो ये पार भी हो जाता। तो आपको एक बेस मिल गया कि अगर आपकी गन 850 FPS के पे भी अगर चल रही है, आपका अगर ये पेसी पेल के 8.7 ग्रेन जो राउंड हेड है, तो आप जान सकते हैं, आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और जिससे कि और भी पिछले वीडियो पे कई कमेंट भी आया था कि नई गन है उस पुरानी गन है, नई गन पे करना चाहिए पुरानी गन पे नहीं करना चाहिए, या बातें वैसी वैसी, तो यार मैं क्या बोलूँ इस पे। गन तो अच्छी स्प्रिंगर तभी चलती है जब वो 500,000 शॉट्स चल जाए, तब वो सेटल होती है, जिसको ब्रेक इन पीरियड कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अब उसमें अजीब अजीब तरह की 500 शॉट्स के बाद ये इसकी स्प्रिंग अलग है, 500 शॉट्स के बाद इसकी पावर घट जाती है, पहले शॉट से ही पावर है। देखिए जब फैक्ट्री से बन के गन आती है तो शुरू के शॉट्स फ्लुक्स होते हैं, वो बहुत इरेटिक चलते हैं, आपको अगर वो आपको कुछ भी पावर दिखा सकते हैं, ठीक है। गन जब एक बार सेटल होता है, और गन की बात नहीं है, गाड़ी आप लेते हैं, चाहे वो आप 40,000 की बजाज CT 100 का एग्जाम्पल था और KTM का एग्जाम्पल था मेरे वीडियो पे, और काफ़ी जाने माने वाले माने लोग हैं कम से कम, अरे गाड़ी भी अगर आप लेते हो 10-5 लाख की, उसका भी ब्रेकिंग टाइम होता है, आप उसके बुक का जो आता है यूज़र मैनुअल आप उसको पढ़ो, उसमें भी 1,000-1,200 किलोमीटर कुछ सर्टेन RPM पे ही गाड़ी चलाना होता है, ताकि अंदर के मैकेनिकल पार्ट एक दूसरे से अच्छे स्मूथ आउट हो जाए। अब मुझे लगता है कि लोग सवाल पूछने लगे हैं, अब कोई भी वीडियो आता है लोग क्रॉनिक कब मांगते हैं, तो चलिए अच्छा है लोग सवाल पूछे, और ये चीज़ जब लोग पूछने लगेंगे, लोग ये जब जागरूक बनेंगे, तो ये सारा जो गोरख धंधा है ना, ये कम होते जाएगा और ख़त्म होते जाएगा। मैं ये नहीं कभी कहता कि कौन गन अच्छी है कौन गन खराब है, लेकिन जो गन जैसी है वैसी कह के बिकनी चाहिए, उसका उसको ज़्यादा एग्जैगरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप गधे को शेर की खाल पहना के उसको शेर नहीं कह सकते, ठीक है। हर गन यूनिक है, हर गन प्यारी है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी गन की नाम नहीं ले रहा, मैं कोई गन नहीं बेचने आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे। अब लोग मेरा क्या जाता है, लोग कहते हैं कि लोग ये भी बात आ रही थी कि मैं हो सकता है कि उस गन की जो हरिकेन का मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने उसकी स्प्रिंग कम कर दी होगी और उसके बाद उसकी पावर कम करके दिखा रहा होगा आपको। अब मैंने एक प्रूफ दे दिया, ये प्रूफ दे दिया आपको, इस प्रूफ को आप करो। आपको ये ध्यान रखना है कि पैलेट जो है प्रेसी होल का 8.7 राउंड हेड पैलेट रहे, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइव बॉय साबुन का सेप क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी गन किसी भी कंडीशन में डीजलिंग नहीं करनी चाहिए। और डीजलिंग का कितना इफेक्ट आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये सारा गोरख धंधा कितना है, मतलब 8-10 फुट पाउंड की गन को आप 14-15 फुट पाउंड की गन दिखा सकते हैं, इतना कुछ हो सकता है डीजलिंग का। और इसको भी हम लोग कवर करेंगे, मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, सारे गन सारे मेरे पास 2000 का भी कलकत्ता का बना हुआ गन है जो कि मुझे उतना ही प्यारा है। मेरी पहली वीडियो आप देख लो, वो ब्लैक वाली जो GI की गन थी वो 2500 की गन थी, वो भी आज ही मेरे पास है, उतनी ही प्यारी है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या है। अब कोई कहे कि वो अगर वॉल्थर की गन से भी अच्छी है, तो ये चूतिया काटना भाई, ये मेरे से नहीं चलेगा। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।